बैटिंग और बॉलिंग में फेल, कप्तानी में भी फिसड्डे, फिर भी हार्दिक पांड्या को डिफेंड कर रहे मुंबई इंडियंस। छक्का मार मार कर धोनी उतार रहे पांड्या के सिर से गेंदबाजी का भूत। उधर मैच देख रही जनता ने हूटिंग से हार्दिक का चेहरा उतार दिया बहुत। हार्दिक पांड्या को लेकर हो रही हूटिंग पर भड़क गए किरण पोलार्ड, डिफेंड करते हुए उल्टा फैंस को ही लगा डाले लताड़। हार्दिक पांड्या को लेकर केविन पीटरसन ने भी दिया तीखा बयान, कहा साफ पता चल रहा है वो एक्टिंग कर रहा है। इरफान पठान का भी उठा हार्दिक पर से भरोसा, कप्तानी पर उठाए सवाल, बयान हो रहा वायरल। अंबानी ने जब से अपनी टीम का कप्तान बदला, मानो आईपीएल की सबसे धाकड़ टीम की किस्मत ही रूट गई है, हार का सिलसिला जारी है। रोहित को हटाकर हार्दिक को कप्तान बनाया जाना अभी भी फैंस के एक बड़े तबके को रास नहीं आ रहा, इसकी तस्दीक करती हूटिंग की ये आवाजें हैं। मुंबई इंडियंस की टीम जिस किसी मैदान पर मैच खेले जा रही है, वहां कप्तान के खिलाफ फैंस ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। यहां तक कि वानखेड़े स्टेडियम पर भी उन्हें फैंस का सपोर्ट नहीं मिला, जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी फैंस से हार्दिक पांड्या के खिलाफ हूटिंग न करने की अपील की थी, मगर फिर भी फैंस का उनके खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ। जब रविवार 14 अप्रैल को मुंबई इंडियंस का सामना उनके सबसे बड़े राइवल चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ, तो उस मैच में भी फैंस ने हार्दिक पांड्या को नहीं बख्शा। फैंस तो फैंस, इन सब के बीच क्रिकेट के ही कुछ दिग्गज जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीटरसन से लेकर पठान तक ने पांड्या पर क्या कहा वो बताएं, उससे पहले मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच किरण पोलार्ड की बात सुन लीजिए, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हार्दिक का बचाव किया है। पोलार्ड ने कहा, टीम की हार के लिए अकेले हार्दिक पांड्या को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है, वो अपने बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। फैंस ये भी ना भूलें कि हार्दिक को भारत के लिए भी खेलना है, और तब यही फैंस उनके लिए ताली बजाएंगे। दरअसल हार्दिक पांड्या के लिए सीएसके का मैच किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं रहा, उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। गेंदबाजी के दौरान उनके खिलाफ आखिरी ओवर में 26 रन बन गए, इसके बाद बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। वहीं टीम को भी आखिर में जाकर हार का सामना करना पड़ा। किरण पोलार्ड ने इन सब के बावजूद हार्दिक पांड्या को डिफेंड किया है। पोलार्ड ने आगे कहा, क्रिकेट में कभी आपका दिन अच्छा होता है तो कभी खराब आता है। हार्दिक पांड्या अपने गेम और स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं थक गया हूं कि लगातार उन्हें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्रिकेट एक टीम गेम है और उसमें सभी प्लेयर्स का बराबर योगदान होता है। यही हार्दिक पांड्या 6 हफ्ते बाद भारत के लिए खेलेंगे, तब सभी फैंस उनके लिए चीयर करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए हमें अभी से उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। पोलार्ड की बातों से आप कितना सहमत हैं या कितना नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वहीं सबके बीच इंग्लैंड टीम के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन ने हार्दिक की आलोचना करने के साथ ही कहा है कि उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। केविन पीटरसन ने स्टार स्पोर्ट्स पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कहा, मुझे लगता है कि उसे खेल के बाहर हो रही हर चीज से इस समय इफेक्ट हो रहा है। टॉस के समय जब मैंने उसे देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं सबके बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी पांड्या को लेकर सवाल उठाए हैं, बतौर गेंदबाज और कप्तान के रूप में उनकी कड़ी आलोचना की है। गावस्कर ने कहा, मैंने काफी समय के बाद इस तरह की खराब गेंदबाजी देखी। हार्दिक को इस बात के बारे में साफ पता था कि उनके पास ऐसी गेंदबाजी जिस पर धोनी आसानी से छक्का लगा सकते हैं, उसमें भी आप उन्हें लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं जिस पर कोई भी बल्लेबाज गेंद को ऐसे हालात में फैंस के बीच पहुंचा देता, पूरी तरह से सामान्य लेवल से भी खराब गेंदबाजी थी और मैच में उनकी कप्तानी भी खराब रही। आपको बता दें कि धोनी ने आखिर ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ जब रन बटोरे थे, इसी बात पर इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या के इसी ओवर को लेकर सवाल उठाए। इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, हार्दिक शुरू से ही कप्तान के रूप में अच्छे नहीं रहे। सीएसके के खिलाफ मैच में आकाश मधवाल को आखिरी ओवर फेंकना था और वो बॉलिंग मार्क तक पहुंच गए थे, हालांकि हार्दिक ने गेंद उनके हाथ से ले ली और खुद को गेंदबाजी करने का फैसला किया। धोनी ने उन्हें 4 गेंदों में 20 रन पर ठोक दिए और यही उनकी हार का अंतर था। बहरहाल तमाम दिग्गजों का हार्दिक पांड्या को लेकर जो बयान आया, उसको लेकर के आपका अपना नजरिया क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।